Hello guys, welcome to online class ED. Last day we have discussed about operation in algebra up to multiplication. I have also gave you some homework. I hope you all done your work. Now, continue the content. How can I find out a plus b to the whole cube? a plus b whole cube is equal to a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube, right? Suppose if you don't know this formula or we haven't remembered this, so how can we find out? As we know, a plus b to the whole cube is equal to a plus b into a plus b into a plus b, right? a plus b का होल क्यूब जो है वो a plus b का कितना बार मल्टीप्लीकेशन? तीन बार मल्टीप्लीकेशन, ठीक है? a plus b ब्रैकेट में a plus b. अब हमें पता है कि अगर हम दो बार मल्टीप्लाई करेंगे, पहले देखिए तो इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है? तो ये कितना आ जाएगा, a plus b का होल क्यूब इज इक्वल टू, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे फिर लास्ट में इससे करेंगे, ठीक है? तो a का पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे फिर इससे, तो a into a what a square, a into b what a b. अब b का करेंगे a, a का दोनों के साथ हो गया, अब b का दोनों के साथ, तो b into a b a मतलब a b लिख सकते हैं उसको, प्लस b into b b square, ठीक है? अब ये तो हो गया और ये पूरा ब्रैकेट में आएगा, ठीक है? क्योंकि a plus b हमारा अभी बचा हुआ है, ओके? तो a square और a b जुड़ जाएगा क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, b square into a plus b, ठीक है? अब नेक्स्ट a जो है इससे भी होगा, इससे भी, इससे भी, तीनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर क्या होगा b, तो a को a square से करेंगे कितना होगा, a square into a, मतलब कि जैसे आप समझो कि 4 का स्क्वायर इंटू 4 कितना हो जाएगा, 4 का क्यूब हो जाएगा ना, क्योंकि 2 टू 4 यहाँ पर है और 1 टू 4 वहां है, ठीक है? 2 4 यहाँ पर है और 1 यहाँ पे है, तो 3 हो जाएगा, ठीक है? समझ में आ रही है मेरी बात? मल्टीप्लीकेशन जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने बताया था ना कि अगर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स है तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा, ठीक है? उसी तरह से a square into a, a cube plus a, देखो 2ab में a multiply होगा, तो 2ab into a, 2ab into a, ठीक है? 2ab into a क्या होगा, तो देखिए a और a multiply के 2a square b होगा, हाँ 2a square b, और a into b square, तो ab square, b अब मल्टीप्लाई होगा इससे फिर इससे फिर इससे, तो b इंटू ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बी प्लस 2ab इंटू b, तो 2ab स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू b, ठीक है? समझ रहे हो मेरी बात को? ओके, नेक्स्ट a क्यूब, अगर लाइक टर्म्स हुआ, कल मैंने लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स का कंसेप्ट बताया था ना, अगर लाइक टर्म्स हुआ तो वो ऐड हो जाएगा, जैसे a स्क्वायर b है, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, a स्क्वायर b, और यहाँ भी देखिए वेरिएबल क्या है, a स्क्वायर b, तो दो ठो a स्क्वायर b यहाँ और एक ठो a स्क्वायर b यहाँ, कुल मिलाकर तीन a स्क्वायर b हो गया ना, तीन a स्क्वायर b, क्या दिक्कत नहीं ना? नेक्स्ट है ए बी स्क्वायर और 2ab स्क्वायर, तो एक ठो ab स्क्वायर और दो ठो ab स्क्वायर, कितना हो गया, टोटल 3ab स्क्वायर हो गए, है ना? यहाँ वो ab स्क्वायर है और यहाँ 2ab स्क्वायर है, दोनों का सम हो जाएगा कितना, 3ab स्क्वायर, और देखिए ab क्यूब हो गया, बन गया ये। एक बार आप लोग खुद से ट्राई कर लेना, आई होप कि कल आपने ट्राई किया होगा और आंसर मैच करवा लेना, और अगर नहीं किया हो तो एक बार कर लो पहले, ठीक है? फिर देखना। स
सपोज अब मुझे फाइंड आउट करना है a माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है बच्चों अगर यहां पे समझ में आ गया ना तो इसका मतलब है कि अलजेब्रा आप लोगों को क्लियर है, ये तो समझना ही पड़ेगा। यहां पर तो थोड़ा सा माइनस का प्रॉब्लम है, हो सकता है आपको लोगों को दिक्कतें हो, तो आपको इसे a समझना है और इसको माइनस बी समझना है, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे, तो a माइनस बी का तीन बार है ना, क्या तीन बार गुना a माइनस बी का क्यूब है, मतलब a माइनस बी का तीन बार गुना। अच्छा ये a माइनस बी और a माइनस बी इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, a इंटू ए और a इंटू बी, ए स्क्वायर और a इंटू बी क्या होगा, माइनस है ना, a इंटू माइनस बी, तो माइनस ए भी होगा कि नहीं बताइए। a यहाँ प्लस में है, b यहाँ किस में है, माइनस में है, तो a इंटू माइनस बी ना कि a इंटू बी, ठीक है, a इंटू माइनस बी, माइनस ए बी। अब इसी तरह a का तो दोनों के साथ गुना हो गया, अब a का गुना कर दो माइनस बी के साथ, मतलब इनका गुना कर दो माइनस बी के साथ, तो माइनस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस ए बी क्या, और माइनस बी इंटू माइनस बी, तो माइनस बी इंटू माइनस बी, माइनस माइनस प्लस और बी इंटू बी बी स्क्वायर, ठीक है ब्रैकेट में रहेगा क्योंकि भी हमारा खत्म नहीं हुआ है, जब तक पूरा गुना मल्टीप्लीकेशन खत्म ना हो जाए तब तक आप उसे ब्रैकेट में ही रखोगे। अच्छा ए बी और ए बी यहाँ भी माइनस में यहाँ भी माइनस है, मतलब ये दोनों ए बी क्या होंगे, माइनस में जोड़ करके माइनस टू ए बी हो जाएंगे। अब ये a तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये माइनस बी ये तीनों के साथ, इस बच्चों ये b नहीं है ये माइनस बी है, ठीक है इसलिए b जहां जहां मल्टीप्लाई होगा माइनस बी वहां पर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो देखिए ए स्क्वायर, अब a का मल्टीप्लीकेशन तो a क्यूब हो जाएगा माइनस टू ए जो है यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो टू ए स्क्वायर बी प्लस ए इंटू बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो अब क्या करना है, माइनस बी इंटू ए स्क्वायर तो माइनस ए स्क्वायर बी होगा, माइनस बी इंटू माइनस टू ए बी तो माइनस माइनस प्लस और टू ए बी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस टू ए बी स्क्वायर, माइनस बी इंटू बी स्क्वायर हाउ मच, माइनस बी इंटू प्लस बी स्क्वायर तो माइनस हो जाएगा और बी का क्यूब ना हो जाएगा बी स्क्वायर, कोई दिक्कत। चलिए अब लाइक टर्म्स को ढूंढिए और सॉल्व कर लीजिए आंसर आ जाएगा, ए क्यूब और कहीं नहीं है, चलिए हो गया। अच्छा ये माइनस टू ए स्क्वायर बी है ना, माइनस टू ए स्क्वायर बी मतलब वेरिएबल ए स्क्वायर बी यहाँ पर भी है, ये भी माइनस में ये भी माइनस में, दो तो माइनस में यहाँ पर और यहाँ एक माइनस में, तो दो और एक तीन, माइनस थ्री ए स्क्वायर बी, ठीक है। अच्छा ए बी स्क्वायर यहाँ प्लस में, यहाँ भी टू ए बी स्क्वायर प्लस में, तो टू ए बी एंड वन ए बी, अब लास्ट में ये वाला बचना है, ठीक है। थोड़ा बहुत टफ लग सकता है जो पिछले क्लास अच्छे से नहीं किए हैं, आप जो ये सीरीज चल रहा है अलजेब्रा का ये पूरा क्लास करो, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है बच्चों। आप इसे अच्छे से समझने की कोशिश करो, फिर मैथ्स में कहीं आप लोगों को दिक्कतें नहीं आएंगी। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं डिवीजन की तरफ, डिवीजन की तरफ मतलब कि कैसे हम एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को दूसरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से डिवाइड कर सकेंगे, ठीक है। तो डिवीजन में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, आप ना कॉपी और कलम साथ में लेके बैठो, पेन एंड कॉपी आपके साथ होना चाहिए। तो डिवीजन पहले हम लोग देखते हैं मोनोमियल को मोनोमियल से कैसे करेंगे, मोनोमियल बाय अ मोनोमियल, मोनोमियल का डिवीजन एक मोनोमियल से, सपोज कुछ ऐसा हो आपके पास, ये देखिए 4x स्क्वायर बाय 2x, ठीक है ये बहुत आसान है, बहुत आसान डिवीजन है मोनोमियल से मोनोमियल के लिए। सबसे पहले आपको एक्सपैंड करना करने के लिए सीखना होगा, एक्सपैंड कैसे करेंगे, तो 4 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू टू और x स्क्वायर मतलब x इंटू एक्स और नीचे में क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स, ठीक है। यहां जितना भी रहेगा ना ऊपर में
4x2। तो जब हम कोई नंबर का एलसीएम लेते हैं बच्चों, कोई नंबर का जब हम एलसीएम निकालते हैं, तो एलसीएम निकालते समय लास्ट में जब एलसीएम निकालना कंप्लीट हो जाए तो मल्टीप्लाई करते हैं ना, वही मल्टीप्लिकेशन यहाँ भी करने हैं ऐसे, ठीक है। अब ये 2x का तो 2 × x, 4x2 रहेगा तो 2 × 2 × x × x, 4 के लिए 2 × 2 और x2 के लिए x × x। अब कटेगा तो काट देना है, तो कितना बच गया 2x, नीचे में हमेशा खत्म हो जाएगा, ठीक है। नीचे में वाला जो टर्म है ना वो खत्म हो जाएगा, और अगर कुछ बच रहा है तो उसको वैसे ही लिखना है, जैसे यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 16x³ / xy² राइट। चलिए यहाँ पे मान लो मैं दे देता हूँ 32xy², और इसे डिवाइड करना है। तो आप देखो सबसे पहले 16 को कितना लिख सकते हैं, तो 16 को लिखने के लिए आप ऐसे करो 2 × 8 = 16, 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 8, 2 × 2 × 2 × 2 है ना, 2 × 2 × 2 × 2, और x³ मतलब x कितना बार, 3 बार, x × x × x, ठीक है। y 32 को कितना लिखेंगे, तो आपको पता होगा कि 2 5 times, देख लीजिए 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 1 2 3 4 5, यानी 5 times, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, और x एक ही है तो चलिए x, और y² मतलब y × y। बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा अलर्ट रहने की आवश्यकता है, सावधानी बरतने की आवश्यकता है कि जब भी आप अलजेब्रा में x लिखो तो स्मॉल x लिखो, कैपिटल x का यूज मत करना, नहीं तो मल्टीप्लाई के चिन्ह में और x में कोई फर्क नहीं रह जाएगा और फिर गड़बड़ कर दोगे, तो स्मॉल x लिखना, ठीक है। तो ये 2 से कटेगा, जो जो रिड्यूस हो रहा है उसे रिड्यूस कर दो x x पे, ठीक है। अब ऊपर में देखो तो आप x × x मतलब बचा है x², और नीचे में बचेगा 2y × y² देखिए जितना बचेगा उसको वैसे ही लिख देना, और जो कटना था जिसको वो तो कट चुके हैं। क्या नेक्स्ट, अभी और भी चर्चा करते हैं। (24x³)y², सपोज आपको इसे डिवाइड करना है 18y³xz², ऐसे डिवाइड करनी है, ठीक है। ये भी सिंगल टर्म है, ये भी सिंगल टर्म है, मोनोमियल मोनोमियल, भले डिग्री बहुत है लेकिन दोनों मोनोमियल है। तो हम सबसे पहले इसको इस कुछ इस तरह लिखेंगे 24x³yz² डिवाइडेड बाई 18y³xz², कोई दिक्कत नहीं। अब एक काम करते हैं, ये वाला अगर कट रहा है 24/18 तो काट लो, देखिए 6 × 4 = 6 × 3 = अब कटेगा नहीं कटेगा, है ना। नेक्स्ट y यहाँ पे कितना है, अच्छा हम लोगों ना ये काम करना होगा, ये आप अगर सीख गए हो गया ना एक्सपैंड करने के लिए, तो पहले मैं वो कहता हूँ कि एक्सपैंड कर लो। देखो यहाँ पे कितना है, सपोज ऐसे 24 को, चलो 24 और 18 यहाँ पे इसको एक्सपैंड नहीं करते हैं, ये डायरेक्ट हो जाएगा। अगर आप 4-5 प्रैक्टिस कर लियो तो एक्सपैंड करने की आवश्यकता नहीं है, इसे भी कुछ इस तरह से एक्सपैंड कर लेंगे, क्योंकि अभी फिलहाल जिस स्टेज पे हो ना आप इसे एक्सपैंड करके ही बनाओ, फिर एक दो क्वेश्चन के बाद मैं बताऊंगा डायरेक्टली आप कैसे बना सकते हो। (y) (z) (z) देखिए x³ था मतलब x × x × x, y था तो y, और (z²) (z)(z) y 18 लिखा, y क्यूब है मतलब (y) 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 और x है मतलब x, और (z²) (z). चलिए 6 से 4 बार में 6 से 3 बार, ये हो गया, ये एक वाई कैंसिल, एक एक्स कैंसिल, और कोई वाई जेड है, और कुछ बच गया है तो 4x × x, और नीचे में बचेगा 3y × y,
मतलब आंसर हो गया 4x² / 3y². आर यू सेटिस्फाइड विद द आंसर? इफ यू सेटिस्फाइड प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन विथ यस। अगर आप सेटिस्फाइड हो आंसर से तो कमेंट सेक्शन में आप यस लिखो। नेक्स्ट है (36xz³)/14y²z। दोनों मोनोमियल है, ठीक है, तो हम ऐसे ही से लिख लेते हैं x, और जेड क्यूब मतलब z(z)z, ठीक है, और 14y²z मतलब 14 × y × y ×, ठीक है। बच्चों ये काम करते हैं, बच्चों एक काम करते हैं, इसे बिना एक्सपैंड किए बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक तरफ एक्सपैंड करके देखते हैं और एक तरफ बिना एक्सपैंड किए, ठीक है। चलिए ये वाला तो इजी है, ये 2 से कटेगा और ये, ठीक है। अब यहां पर हम क्या देखते हैं, एक जेड कट गया और कुछ नहीं कटेगा, नहीं। चलिए अब यहां काटते हैं 2 से 18 times 2 से 7 times, ठीक है। अब यहां पे x है, नीचे x है क्या? नहीं, नीचे y स्क्वायर है, ऊपर y नहीं। यहां पे z कितना है? ऊपर में 3 है और यहां पे z कितना है? 1 है। तो एक जेड अगर हम काटेंगे तो यहां जेड जो है वो 2 बच जाए, ठीक है। तो हमारा आंसर जो है वो 18xz²(7, 4y²), ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो ये चीज तो हो गया, तो आप चाहो तो ये वाला मेथड अप्लाई कर सकते हो या फिर इसके थ्रू आप चाहो। अब आते हैं दूसरा जो हमारा है वो बाइनोमियल। बाई अ मोनोमियल मतलब एक बाइनोमियल को जिसमें 2 होते हैं उसको मोनोमियल से कैसे डिवाइड करेंगे, ठीक है। देखिए क्या करते हैं, सपोज हमारे पास है 4x²y + 12xz² और इसे डिवाइड करना है हमें 2x²y से, क्लियर। अब देखिए क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, दोनों मेथड बताएंगे, ठीक है, एक डायरेक्ट डिवाइड वाला और एक ये। पहला मेथड में जाते हैं, मेथड 1, 4x²y + 12xz² को डिवाइड करते हैं 2x² से, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं ना दोनों के लिए। अच्छा, और इसे हम आगे जब बढ़ते हैं तो ये 2x² y दोनों के लिए है ना, तो दोनों के नीचे आ जाएगा (+12xz²), ठीक है, कुछ इस तरह से, समझ में आ रहा है आपको। अब देखते हैं ये 2 से क्या 2 बार में कटेगा, यस, एक्स स्क्वायर ऊपर भी और एक्स स्क्वायर नीचे भी, ये कट जाएगा और वाई वाई भी कटेगा। नेक्स्ट 2 से 6 टाइम्स में यहां पे एक्स और नीचे में देखिए 2x है, 1x बच जाएगा और कुछ नहीं,
तो ये बचेगा 2 + 6z² और इसके नीचे जो है सिर्फ इसके नीचे बचा हुआ है आपका x, ये आंसर होगा। ठीक है, देखिए क्या किया मैंने, 2x² y को दोनों के नीचे ले आया डिनोमिनेटर में, और फिर इसमें देखते हैं तो 2 बच गया, और इसमें देखते हैं तो 6z² / x, और ये y भी है ना, सॉरी y बचेगा आंसर। ठीक है, एक मिनट बचो, तो हाँ बच्चों अभी हमने मेथड वर्क को देखा। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और करते हैं, हो सकता है फर्स्ट टाइम में आपको समझ में ना आए, एक दो क्वेश्चन और करेंगे, अभी तुरंत समझ में आएगा। दूसरा मेथड की तरफ आगे बढ़ते हैं जो डिवीजन मेथड है, यानी कि जिस तरह से आप डिवाइड करते हो वैसे ही डायरेक्टली कैसे अप्रोच कर सकते हैं, 2x² y / 4x² y + 12x² हाँ, ये वाला मेथड आपको तब आएगा जब ये वाला मेथड आपको आ रहा है, ये वाला मेथड जो है वो तब आपको आएगा जब ये मेथड आ रहा है। ठीक है, अब हमें 2x² y का टेबल पढ़ना है और 4x² y लाना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा ना, देखो ऐसे 4x² y को ऊपर लिखो और 2x² y को नीचे। ठीक है, y कटेगा, x² कटेगा, 2 से 2 बार में, मतलब 2 बार में 4x² y ऐसे लिख देना, ये आ जाता, और ऊपर से अब आएगा 12xz². ठीक है, इतना बच गया, कोई दिक्कत, ये तो 0 आएगा ना, 0 + 12xz². अब क्या करेंगे, 12xz² आ गया, अब 2x² y का टेबल पढ़ना है, हमें इतना लाना है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, तो बच्चों अब ये जो है 12xz² को ऊपर रखेंगे और 2x² y को नीचे रखेंगे। ठीक है, तो 2 से ये कटेगा 6 टाइम्स में, और एक देखिए ऊपर में एक x है, यहाँ x² है, तो यहाँ एक x बचेगा ना, नीचे में एक x बच जाएगा, तो यानी कि 6z² / xy, तो 6 यहाँ प्लस होगा 6z² / xy। ठीक है, बारे में ये आ जाएगा, ये कर, ठीक है, यहां पर वाला हमेशा आएगा ही आएगा, बस यहां ध्यान रखना कि क्या आएगा, क्लियर ना, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, सपोज हमारे पास क्वेश्चन था, एक इजी वाला लेते हैं शायद इससे आप लोगों को समझ में आ जाए, 2x³ + 4x² को डिवाइड करना है हमें x² से, बहुत ही आसान है, तो मेथड वन की तरफ चलते हैं। ठीक है, फिर चलेंगे मेथड टू की तरफ, तो मेथड वन में क्या कहता है, आप इसको ऊपर लिख लो जो डिवाइडेड है और नीचे में डिवाइजर, अब ये जो x² इसके लिए भी इसके लिए, तो यहां पर नहीं काटेंगे, पहले इसको दोनों में बांट लेते हैं, ठीक है, अब देखिए ये तो x² कट गया, अब यहां पे x3 है, यहां पे x2 है, तो जब इसको काटेंगे तो एक x ऊपर बच जाएगा, है ना, तो होगा आंसर हमारा 2x + 4, कोई दिक्कत, ये आंसर हो गया। डिवाइड वाले मेथड से कैसे जाएंगे, यानी मेथड टू, ठीक है, मेथड टू
चलिए ठीक है, तो डिवाइड वाला मेथड पे हम लोग, यानी मेथड टू, एक्स स्क्वायर टू एक्स क्यूब प्लस फोर एक्स स्क्वायर, ठीक है, कुछ ऐसे ऐसे नहीं करते हैं, ऐसे करते हैं, ठीक है, ये अच्छा रहता है, यहां ऐसे देने की बजाय ऐसे सही रहता है, उधर लंबा नहीं भागेगा। तो क्या करते हैं, पहले एक्स स्क्वायर के टेबल में पढ़ना है, टू एक्स क्यूब लाना है, तो चलो इधर रफ करते हैं, ठीक है, टू एक्स क्यूब लाना है एक्स स्क्वायर का टेबल, तो टू एक्स क्यूब ऊपर लिखना है और एक्स स्क्वायर, देखिए कितना बार में एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स बार को कटेगा कि नहीं कटेगा, बिल्कुल कटेगा, क्योंकि ऊपर में एक्स कितना है, तीन एक्स है, और नीचे में दो ही एक्स है, तो एक्स बार में कट जाएगा टू एक्स, यानी टू एक्स बार में टू एक्स क्यूब आ गया, ऊपर से उतरेगा फोर एक्स, फोर एक्स हाउ मच स्क्वायर था ना, ये कहाँ सा है, फोर एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का टेबल पढ़ना है, फोर एक्स स्क्वायर लाना, तो देखिए फोर एक्स स्क्वायर ऊपर लिखना है और एक्स स्क्वायर नीचे, एक्स स्क्वायर कट गया फोर बार में, हो गया, यानी कि 2x प्लस 4 यहां भी आया है, 2x प्लस 4 यहां भी आया है। तो कोई भी मेथड आप अप्लाई करो, किसी भी मेथड से जाओ, आंसर आपका सेम आएगा, जो मेथड आपको बेहतर लगता है आप उस वही अप्लाई करो। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, 6x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर डिवाइड बाय 4x स्क्वायर, और यहाँ पे है, सॉरी यहाँ पे माइनस है और यहाँ डिवाइड है 2xyz स्क्वायर, क्लियर, ये सारे क्वेश्चन को आपको समझना है, अगर आप समझ लेते हो तो आई होप कि आपको आगे दिक्कतें नहीं आएंगी। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट मेथड अप्लाई करते हैं, दोनों मेथड से करेंगे, ठीक है, पहले मेथड टू कर लेते हैं, देखिए टू एक्स वाई जेड स्क्वायर और हमें डिवाइड करना है 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब वो रफ में जो करते थे कुछ ऐसे ना, 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ऊपर रखेंगे, 2xy z स्क्वायर को नीचे रखेंगे, ये जो जो कटेगा काटेंगे, अब वो करो हम अब डायरेक्ट कर सकते हैं, 2 से 3 बार में चला जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे सपोज आप ऐसा सोचो कि ये नीचे और ये ऊपर है, x से x स्क्वायर कितना बार में जाएगा, x बार में, y से y स्क्वायर कितना बार में जाएगा, y बार में, और जेड स्क्वायर कटेगा तो कुछ नहीं, इसी तरह देखो यहाँ पे मैंने कर लिया है, 2 से 3 बार में यहाँ पे 2x है और नीचे 1x है, एक कटेगा तो x बचेगा, यहाँ y स्क्वायर है, यहाँ y है, तो ये y और z स्क्वायर है, इसको कैंसिल, 3xy हो गया, 3xy बिल्कुल, तो ये 3xy, माइनस का साइन है, माइनस पुट करो आप, अब ये वाला ऊपर रहेगा, ये नीचे रहेगा, यानी 4x स्क्वायर बाई 2xyz स्क्वायर, ठीक है। तो आप डायरेक्टली क्या करो, 2 से 2 बार में कटेगा डेफिनेटली, अब नीचे x है और ऊपर x स्क्वायर है, तो x बार में कट जाएगा, और अब ऊपर कुछ भी नहीं बचा है और नीचे बचा है वाई जेड स्क्वायर, तो वाई जेड स्क्वायर, यानी हम ऐसे लिखेंगे 2x by y z स्क्वायर, देखो वही होने वाला है 2 और x से x बार, 2x by y z स्क्वायर, 2x by y z स्क्वायर, है ना, बार में ये सारे के सारे आ गए थे, तो वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ये कटा था, माइनस 4x स्क्वायर उतरा था, और ये माइनस 4x स्क्वायर, हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये जब मोनोमियल से हम कर रहे हैं तब। यहाँ पे अभी एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, माइनस करते हैं, ठीक है, अब यहाँ पे ये माइनस 4x स्क्वायर था, तो माइनस 4x स्क्वायर लाएं, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाता है प्लस, तो माइनस प्लस कट जाएगा ना यहाँ पे, हाँ वैल्यू भी देखो दोनों माइनस में था, तो डायरेक्टली अब माइनस नहीं करोगे तो ऐड होगा ना, नहीं ऐड नहीं करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, यानी माइनस 4x स्क्वायर है, माइनस करना है माइनस 4x स्क्वायर, तो साइन यहाँ चेंज होगा प्लस, देखो यहाँ पे कुछ नहीं था तो यहाँ माइनस लिखें, यहाँ पे माइनस है तो साइन यहाँ प्लस हो गया, मतलब ये माइनस 4x स्क्वायर बन जाएगा प्लस 4x स्क्वायर, तभी तो प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर जीरो होगा,
नेक्स्ट है, सपोज कि मान लीजिए कि बाइनोमियल नहीं ट्राइनोमियल हो तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए देखते हैं। ट्राइनोमियल हो तो कैसे करेंगे, मान लेते हैं कि यहां हमारे पास एक्स स्क्वायर है और इधर आ गया 4xz² + 16yz + 9xz = 12x³y, कुछ ऐसे है, ठीक है। इसे हमें डिवाइड करना है, कैसे करेंगे, तो हमें क्या करना है, रफ में लेके चलना है 4xz² ऊपर और नीचे x², क्लियर। तो न्यूमेरिकल वैल्यू तो नीचे है नहीं, सिर्फ एक्स स्क्वायर है, ऊपर में एक एक्स है और यहाँ पे नीचे नया एक्स स्क्वायर मतलब 2x है, तो एक कटेगा एक्स वाई में, ठीक है, और कुछ नहीं बचा है, तो 4z² / x² में ये आपका आएगा, ये देखिए कुछ नहीं साइन है ना, प्लस है, कुछ नहीं मतलब प्लस, यहाँ साइन चेंज होता है माइनस, तभी तो इतना माइनस करेंगे जीरो, ये खत्म, बच उतरा आप 16y² चेक, कोई दिक्कत नहीं ना। अब x स्क्वायर का टेबल पढ़ना है, मतलब x स्क्वायर नीचे रखेंगे और 16y² क्या कुछ भी कटने लायक है नहीं, कुछ नहीं तो नहीं है, तो फिर आप ऐसे ही उतार लो उसको, 16 इसको मिटा देते हैं, 16y² / x², ठीक है। बाद में ये तो डेफिनेटली, यहां तो डेफिनेटली आने हैं, नहीं कुछ नहीं साइन है, ये कर गया क्वेश्चन अब उतरेगा ये 9x² y² भैया, एक्स स्क्वायर से ये 9y² में चला जाएगा, क्योंकि x² कटेगा, तो ये आ जाएगा प्लस 9y² बार में 9x² y² कट गया, ठीक है, मतलब ये कट गया। अब उतरा है 12, अच्छा 9x² y z था क्या, जेड था ना, सॉरी जेड था, तो यहां भी y z होगा, ठीक है। नेक्स्ट उत्तर है 12x³y, तो देखिए 12x³y / x², तो यहां x 3 है, x 2 है, एक x बचेगा, मतलब 12xy ये वाला आपका हो गया, ये हुआ। अब आते हैं जो थोड़ा सा टफ हो सकता है हमारे लिए, वो है बाइनोमियल से कैसे डिवाइड करेंगे। काफी बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होती है, एक बार भी नहीं समझ में आएगा, दूसरा बार नहीं, तीसरा बार से करके आपको हर हाल में फिलहाल समझना ही है, आप हमारे साथ बने रहिए। अगला है पॉलीनोमियल बाय अ बाइनोमियल, ठीक है। मैंने यहां पे पॉलीनोमियल क्या लिखा है, पॉलीनोमियल का मतलब वो बाइनोमियल भी हो सकता है, ट्राइनोमियल भी, क्वाडनोमियल, पेंटानोमियल, हेक्सानोमियल, ये सब हो सकता है, और बाइनोमियल से उसे डिवाइड करना है। जैसे x+1 से हमें डिवाइड करना है 2x³ + 4x² + x+1, हमें डिवाइड देनी है x+1 से, ठीक है। जनरली बुक में क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिलने वाले हैं, तो यहां ध्यान देना क्या है कि x+1 है डिवाइजर में, टेबल हम पढ़ेंगे बार बार x का टेबल पढ़ेंगे, क्या करेंगे, x का टेबल हम बार बार पढ़ेंगे, समझ में आ रही है मेरी बात, समझ में आ रही है, ठीक है। अब पहला चीज इसमें जो ध्यान देने वाली बात है क्या, डिवाइजर का डिग्री चेक करो आप और डिवाइडेंड का डिग्री चेक करो। स्टेप वन क्या करना है, डिवाइजर का डिग्री चेक करना है और डिवाइडेंड का डिग्री चेक करना है।
डिवाइजर का डिग्री चेक करते हैं तो मैक्सिमम पावर कुछ नहीं, इसका वन है, इसका जो डिग्री है वो डिग्री कितना है, वन है। अब इसका जो डिग्री है, देखिए सबसे मैक्सिमम ज्यादा पावर कितना, थ्री है, डिग्री थ्री है। अब ये तब तक हम इसको डिवाइड करेंगे ना जब तक कि इसका डिग्री जो है, इसका डिग्री इससे कम ना हो जाए। समझ रहे हो मेरी बात को? जब उसका डिग्री कम हो जाएगा या खत्म हो जाएगा, कट जाएगा दोनों, तब तक हम डिवाइड करेंगे। चलिए ठीक है, अभी इसका शायद वैल्यू आप लोगों को नहीं समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं, लेकिन अगला क्वेश्चन में मैं गारंटी देता हूं कि आप लोग इसका मतलब समझ लोगे। पहले ये इजी वाला देख लेते हैं क्या कैसे डिवाइड करते हैं, फिर डिग्री वाला देख लेंगे। हमें पढ़ना है टेबल x का और 2x क्यूब लाना है बच्चों, ठीक है? कितना लाना है, 2x क्यूब। तो देखिए तो 2x क्यूब और by x, बताइए स्क्वायर में कट जाएगा 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर बाद में 2x क्यूब आएगा, हाँ बिल्कुल आएगा। अब इसका क्या करें, वन का x से तो हमने डिवाइड किया, वन का क्या करें, हाँ वन बार बार मल्टीप्लाई होगा, वन मल्टीप्लाई होगा इससे 2x स्क्वायर से, तो 2x स्क्वायर बन जा 2x स्क्वायर, यहाँ पे जितना रहेगा ना प्लस या माइनस में उसी से मल्टीप्लाई होता है ये वाला, तो 2x स्क्वायर बन जा 2x स्क्वायर, और इसको लिखना है यहाँ पे 2x स्क्वायर, ठीक है? अब क्या करेंगे, ओ 2x स्क्वायर था सॉरी, यहाँ पे माइनस आ जाएगा ना, हाँ माइनस आ गया क्योंकि यहाँ साइन प्लस में आया तो साइन चेंज करना है अलजेब्रा में, डिवाइड करते हैं माइनस, तो 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर कितना बचेगा 2x स्क्वायर, और ऊपर है x प्लस 1, ठीक है? बताइए अब x से हमें 2x स्क्वायर लाना है, कितना बार में आएगा देख लीजिए, 2x स्क्वायर बाय x, 2x बार में आ गया, 2x बार में 2x स्क्वायर कट गया क्योंकि ये माइनस है। अब 2x को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1 से, जितना बार में बार बार लाएंगे ना उतना को यहां वाले से मल्टीप्लाई करना है, फिलहाल यहां 1 है तो 1 से, तो 2x बन जा 2x, ठीक है 2x बन जा 2x और कुछ नहीं, तो ये साइन चेंज हो गया माइनस में। अब x में 2x जाएगा तो माइनस x बचेगा और प्लस यहां 1 यहां, ठीक है? अब x का टेबल पढ़ना है, माइनस x लाना है, तो माइनस 1 बार में तो ये डेफिनेटली आ जाएगा, देख लीजिए माइनस x बाई x, x x कटेगा माइनस 1, माइनस 1 बार में माइनस x, तो इसका साइन चेंज होगा, माइनस था तो प्लस 1 कट गया, और माइनस 1 बन जा माइनस 1, ये देखिए अब इसका साइन चेंज होगा माइनस 1 से प्लस 1 बन गया ये, क्योंकि माइनस साइन प्लस, प्लस 1 और प्लस 1 2, मतलब ये हो गया आपका रिमाइंडर, ये हो गया आपका कोएफिशिएंट, ठीक है? और ये हो गया क्या डिवाइजर, और ये डिवाइजर, समझ रहे हो मेरी बात को? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, ठीक है? इसे हमें डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर माइनस 1 से, तो देखते हैं क्या करना पड़ता है। देखिए एक्स स्क्वायर का हमें टेबल पढ़ना है, एक्स क्यूब लाना है, बताइए कितना आएगा, एक्स बार में कटेगा कि नहीं कटेगा, बिल्कुल कटेगा, यानी एक्स बार में हमारा एक्स क्यूब आएगा और ये माइनस कटा, और एक्स इंटू माइनस 1, देखिए एक्स बार में आया था तो एक्स को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस एक्स इंटू माइनस 1 कितना होगा, माइनस एक्स होगा ना, तो माइनस एक्स कहाँ लिखेंगे, एक्स के नीचे लिखेंगे, क्यों भाई, क्योंकि एक्स को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स आ रहा है, तो जितना मतलब हम क्वेश्चन में ढूंढेंगे, डिवाइडेड में ढूंढेंगे कि x वाला वेरिएबल वाला कहां पर है, तो यहां था, ये तो x स्क्वायर है ना, ये x है, तो x के नीचे लिखेंगे उसको, ठीक है? इस चीज का आपको ख्याल रखने हैं कि जितना आएगा मल्टीप्लाई करके आप वैसा वेरिएबल ढूंढो जो उसी के समान है, और अगर नहीं आता है तो कहीं भी आप लिख दो, ठीक है? तो 3x माइनस x, तो ये
कटेगा, ये माइनस का साइन प्लस होगा, 3x और x कितना हो गया 4x, और यहाँ पे कितना है माइनस 3x स्क्वायर, इसको ऐसे उतार दें ठीक है, और ये 4x प्लस में आया था माइनस, कोई दिक्कत नहीं। अब x स्क्वायर का टेबल पढ़ने हैं, माइनस 3x स्क्वायर लाना है, तो देखिए माइनस 3x स्क्वायर बाय x स्क्वायर, x स्क्वायर कट गया माइनस 3 बाद में, ये माइनस का साइन प्लस हो गया कट गया। अब माइनस 3 इंटू माइनस 1, माइनस 3 इंटू माइनस 1 कितना होगा 3, माइनस 3 इंटू माइनस 1, 3 वन जा 3 होगा माइनस 1 प्लस, तो प्लस 3 आया। देखिए 1 के नीचे लिखे ना, x के नीचे नहीं लिखे, क्यों, क्योंकि ये इसके कैटेगरी का था, ये दोनों लाइक टर्म्स है, तो प्लस 3 हो जाएगा माइनस, अब यहाँ पे हो गया 4x और माइनस 1 और माइनस 3 माइनस 4। अब हम आगे डिवाइड नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि डिवाइजर का जो डिग्री है वो कितना है 2 है, और डिवाइडेंड का डिग्री कितना आ गया 1 आ गया। मैंने बताया था ना कि डिवाइडेंड का जब डिग्री डिवाइजर के डिग्री से कम हो जाएगा तो डिवाइड नहीं करेंगे, नहीं होगा। अब ये बच गया हमारा क्या रिमाइंडर, और ये हो गया क्वेश्चेंट, ठीक है, ये डिवाइजर और ये डिवाइडर, कोई दिक्कत नहीं। बच्चों आज के क्लास हम यहीं ओवर करते हैं, और ओवर करने से पहले मैं आपको एक जरूरी बात बता दूं कि कल का जो क्लास होने वाला है, कल का क्लास समझ लो मैथ्स का बेस है, हाउ टू अप्रोच वर्ड प्रॉब्लम्स इन मैथ्स, नो मोर डिफिकल्टी इन वर्ड प्रॉब्लम्स, यानी कि जितनी भी दिक्कतें आपको आती है ना वर्ड प्रॉब्लम्स, कल सारा सॉर्ट आउट करने वाला हूं मैं, क्योंकि अलजेब्रा ऐसा बेस है ना जो सारे चीज को सारे कंसेप्ट को निचोड़ करके और आपको सीधा क्या करता है अंडरस्टैंडिंग लेवल को यहां से यहां करता है, मतलब कोई भी वर्ड प्रॉब्लम को कैसे हम अप्रोच करेंगे ये आपको कल बताएंगे हम, अलजेब्रा में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को वर्ड में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, वर्ड को कैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ट्रांसलेट करेंगे, ये मेथड अगर आपको आ गया ना तो आप डेफिनेटली बोल रहे हैं मैथ्स का जो है ना अभी अगर 40% बन रहा है तो कल से 70% बनना स्टार्ट हो जाएगा डेफिनेटली। सो कल के क्लास के लिए आप इंतजार के क्लास मिस मत कीजिएगा, और हाँ पर डे हाँ ऑनलाइन क्लास एडी पे क्लास चल रहा है, आप सेशन को ज्वाइन कीजिए, जो डाउट है उसको पूछिए और सब्सक्राइब करने नहीं भूलिएगा, और सेशन अगर अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।